Hello student, welcome in Sky Classes. In this video, we are going to understand about difference between purines and pyrimidines. So basically, मैंने आपको purines and pyrimidines के बीच में structurals क्या difference होते हैं, इनके structures कैसे होते हैं, previous video की help से बताया था. और अगर अभी तक आपने वो video नहीं watch किया है, तो उसकी link मैं description box में share भी कर दूँगा. इस video में हम कुछ specific points जो इनके differences से related हैं वो समझेंगे. So let's start first point. So here मैं यहाँ पर define करूँगा कुछ characteristic feature जो कि purines में present है या नहीं, pyrimidines में present है या नहीं, और इन्हीं characteristic features के base पे हम differences को भी understand करने वाले हैं. So here first point is bases. It means कि purines में कौन से bases present होते हैं. So adenine and guanine present होते हैं purine में, और साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल प्रेजेंट होता है पिरिमिडीन में. नेक्स्ट पॉइंट इज हियर स्ट्रक्चर. व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्यूरिन, देन प्यूरिन हैव टू रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, टू नाइट्रोजनस रिंग प्रेजेंट होती है, इवन 9 मेंबर टोटल ओवरऑल प्रेजेंट होता है इनमें, और इनमें से वन रिंग होती है पिरिमिडीन की. ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अगर हम पिरिमिडीन की बात करें तो पिरिमिडीन होता है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, 6 मेंबर स्ट्रक्चर बोलते हैं हम पिरिमिडीन को. नेक्स्ट फैक्ट कंसीडर करते हैं फॉर्मूला होता है प्यूरिन का C5H4N4. एंड देन अगर हम पिरिमिडीन की बात करें तो पिरिमिडीन का फॉर्मूला होता है C4H4N2. इवन मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पर जो 4 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं प्यूरिन्स में, इनकी पोजीशन होती है 1, 3, 7, 9. और अगर हम पिरिमिडीन की बात करते हैं तो पिरिमिडीन में नाइट्रोजनस बेसिस, इवन नाइट्रोजन की जो लोकेशन होती है वो होती है 1 and 3. ओके, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड. सो अगर हम यहाँ न्यूक्लिक एसिड इट मीन्स डीएनए और आरएनए की बात करें तो प्यूरिन्स बोथ एडेनिन एंड गुआनिन्स आर प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए. बट व्हेन हियर आई टॉक अबाउट द पिरिमिडीन, सो पिरिमिडीन में थोड़ा सा डिफरेंस है. पिरिमिडीन में थायमिन एंड साइटोसिन ये तो डीएनए में प्रेजेंट होंगे, बट हियर यूरासिल एंड साइटोसिन इज प्रेजेंट इन आरएनए. मतलब जो थायमिन है वो आरएनए में नहीं प्रेजेंट होगा और यूरेसिल है वो डीएनए में नहीं प्रेजेंट होगा. नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं बायोसिंथेसिस की. बायोसिंथेसिस इट मीन्स ये फॉर्म कहाँ होते हैं, तो प्यूरिन्स फॉर्म होते हैं हमारी बॉडी के लीवर में, और पिरिमिडीन की बात करें तो ये हमारी बॉडी के वेरियस टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं. ओके, एंड प्रोडक्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्यूरिन्स का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिक एसिड. ओके, एक तरीके से हमारा एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट भी है. मेन तो ह्यूमन्स का यूरिया ही है, बट सम पार्ट यूरिक एसिड के भी होता है, क्योंकि प्यूरिन्स है तो वो ब्रेक डाउन होकर के जो एंड प्रोडक्ट फॉर्म करेगा वो यूरिक एसिड ही होगा. देन अगर पिरिमिडीन की बात करें तो पिरिमिडीन में बीटा अमाइनो एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया ये पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं पिरिमिडीन के एंड प्रोडक्ट में. तो जो भी हमारे एक तरीके से नाइट्रोजिनस वेस्ट हम फॉर्म कर रहे हैं, अब वो यूरिक एसिड हो या फिर यू नो अमोनिया हो, उनके पीछे प्यूरिन एंड पिरिमिडीन्स ही हैं. नेक्स्ट वन है यहाँ पर फंक्शंस की बात करते हैं, तो फंक्शंस में यहाँ पर प्यूरिन विटामिन फॉर्म करते हैं, ड्रग का फॉर्मेशन करते हैं, न्यूक्लिक एसिड फॉर्म करते हैं, सेल सिग्नलिंग जो प्रोवाइड होती है वो फॉर्म करते हैं, देन एंजाइम रेगुलेशन एक्टिविटी भी प्यूरिन्स करते हैं. व्हेन यू टॉक अबाउट द पिरिमिडीन फंक्शन, सो पिरिमिडीन द ड्रग का फॉर्मेशन करेंगे, न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, सेल सिग्नलिंग का फॉर्म करते हैं, एंड एंजाइम रेगुलेशन का वर्क पिरिमिडीन भी करते हैं. सो एक तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने बहुत से फैक्ट समझे, और स्ट्रक्चर में और भी ऑलरेडी हम बहुत से फैक्ट अंडरस्टैंड कर ही चुके हैं. सो होपफुली दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू. थैंक यू.